माय गॉड, ये क्या है? मतलब ये कोई लिपस्टिक है या फिर कोई गुटखा? सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं गुटखा उटखा खा के आई हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आफरीन और आज मैं जा रही हूँ जहाँ पे मैं कल गई थी। मतलब मेरी प्रीवियस वीडियो तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जिस जगह पे गई थी, आज भी मैं वहीं पर जा रही हूँ मेकअप करने के लिए। मतलब आज का मेकअप रिसेप्शन मेकअप होगा। एंड गाइस, मैं रास्ते में ही हूँ एंड बहुत ही जल्दी वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगी। सो चलो वहाँ पे जाके फिर बात करती हूँ। बाय। सो गाइस, मैं यहाँ पे आ गई हूँ और बैठ गई हूँ और सेट हो गई हूँ हमेशा की तरह। और देखते हैं कि इस बार ये जो मैडम जी है वो कौन सी फसल उगाती है पिछली बार की तरह। सो आप लोगों ने देखा कि इन्होंने अच्छे से अपने हाथों को सैनिटाइज कर लिया है और मुझे भी दिया था, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद वो एक टोनर से मेरी पूरी जो फेस में जितने भी धूल मिट्टी पॉल्यूशन है उनको अच्छे से साफ कर दिया, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया एक मॉइस्चराइजर जिनको अच्छे से उन्होंने मेरे फेस पर मसाज कर दिया, और ये तो डबल अच्छी बात है। के बाद वो अप्लाई कर रही है प्राइमर, और प्राइमर अप्लाई करने के बाद वो खुद को रोक नहीं पाई। मतलब स्टार्ट हो गया उनका ट्रैक्टर चलाने का काम। मुझे लगा सब कुछ आज अच्छा होने वाला है, बट नहीं, अच्छा तो मेरे साथ होता ही नहीं कभी। अभी वो मेरी आईब्रोज को करने वाली है ड्रॉ एक नाजुक से पेंसिल लेके, जो कि स्टार्टिंग में ही टूट गया। अरे यार, मेरी ये फेस एक जमीन है, आप लोगों को तो पता ही है, अब इसमें इस नाजुक पेंसिल का क्या काम। मुझे तो लगा था कि आप टैटू मशीन लेके आने वाले हो और ड्रॉ कर दोगे परमानेंट मेरी आईब्रोज को। ये लेडी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। मतलब वो जो पेंसिल वो टूट गई ना, उसी को उसमें सेट करके वो आईब्रोज को ड्रॉ करने वाली थी। यार कहाँ से आते हैं ये लोग, क्यों आते हैं, मैं क्यों आती हूँ उन लोगों के पास, पता नहीं यार मेरा क्या होगा। मतलब इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछती है ना ये लेडी के, क्या भी बताऊं मैं। मतलब काम इतना सा करती है और क्वेश्चन इतना ज्यादा पूछती है। बस उनके वो लेडी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो गई। मतलब अगर मैं कहती कि हाँ हाँ कल बहुत ही अच्छा फसल उगाए थे आपने मेरे फेस पे, तो शायद ज्यादा अच्छा रहा था मेरा आंसर। तो जो भी हो, इनका आईब्रोज ड्रॉ करना हो गया और उस नाजुक सी पेंसिल में इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। पिछली बार का जो आई शेडो उन्होंने किया था वो एक बांग्लादेश का फ्लैग था, मोहन बागान वाटरमेलन और बहुत कुछ था, पता नहीं आप लोग क्या क्या बोल रहे थे। थैंक यू सो मच आप लोगों के फनी फनी कमेंट्स के लिए। और इस बार पता नहीं वो कौन से देश का या फिर क्या करने वाली है, कौन सी फ्लैग बनाने वाली है, मुझे नहीं पता। तो चलो देख लेते हैं कि इस बार क्या क्या होता है मेरे साथ। जैसे कि आप लोगों ने देख लिया है कि वो पिंक कलर अप्लाई कर रही है और अप्लाई इतना सा कर रही है और आंखों के नीचे इतना जोर की घिस रही है ना अपनी फिंगर से कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ये एक नेचुरल प्रक्रिया है। अगर आपके पास रेड आई शेडो ना हो तो आप अपने आंखों के नीचे घिस 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 के पूरा रेड कर देना, मतलब नेचुरल आई शेडो कहते इसे। एंड गाइस, ओह माय गॉड, मतलब नाखून के ऊपर ऐसे हल्के से वो आई शेडो लेके आई, और क्या हो रहा है यार। मतलब पिछली बार इन्होंने खराब मेकअप किया था, बट ऐसे टेक्निक, भयानक टेक्निक उन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया जो वो इस बार कर रही है। मतलब हद है। मतलब ओह, अब क्या होगा? सॉरी बहन, थोड़ा मिस्टेक हो गई। इसको अपने साफ कर दीजिए। और इतना नाखून चुभ गया मेरी आंखों के ऊपर एकदम। असल में अनेक दिन मैंने हमें ध्यान दीते पड़ेंगे तो काटा हुआ नहीं नेल्स गुलो। प्लीज इस चीज का अपना ध्यान रखो, क्योंकि अभी की सिचुएशन में ये सब आप वो वाइप्स लीजिए। हद है यार,
ऐसा कौन करता है? मतलब एक तो इतना बड़ा बड़ा नाखून रखा है आपने, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ब्रश यूज़ करो ना, आप कुछ भी करो, लेकिन ऐसे नाखून कैसे आप ऐसे कर सकते हो ना इस सिचुएशन में? मतलब मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए, मेरा मैं क्या बताऊँ, मुझे कोरोना वायरस हो सकता है, मुझे कुछ भी हो सकता है, मतलब मैं मर भी सकती हूँ उस चीज़ से। मतलब अभी की सिचुएशन वाइज मैं बोल रही हूँ, मुझे कुछ कहना ही नहीं है। मतलब एक तो खतरनाक जैसे नाखून आपने रख दिया है, और अगर आप ऐसे मेकअप करोगे तो कोई आपके पास नहीं आएगा, मतलब आपको तो जेल जाना चाहिए इस चीज़ के लिए। यार क्या कर रही हो यार, पिछली बार तो फसल अच्छे से उगाए थे आपने, इस बार शायद उनका फसल से मन उठ गया है, अभी वो पोछा लगा रही है मेरे पूरी फेस के ऊपर, मतलब घिस के रगड़ के, और पता नहीं क्या क्या करने वाली है। और पता नहीं इस बार का आई शेडो कैसा बना है, आप लोग ही बताओ कि क्या है ये, मतलब क्या चीज़ है यार, किस कंट्री का फ्लैग है या फिर कहाँ का क्या चीज़ है, आप लोग मुझे प्लीज़ बताना इस बार। और आईलाइनर लगाने में तो इनका जवाब ही नहीं है यार, क्या है ये, मतलब इतना आईलाइनर कौन लगाता है, मतलब 10 20 30 या फिर 40 का 50 लीटर का पूरा आईलाइनर मेरे ही आँखों के ऊपर लगा दिया। एक काम ही करते ना, पूरा आईलाइनर पूरा मतलब पूरा ही लगा देते, आई शेडो लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी आपकी। आईलाइनर इतना ज़्यादा मतलब मोटा हो गया है, इसको तो ड्राई होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके मैं कुछ पूछी ना, क्या करूँगा? ओह अच्छा, देखो देखो इसे कहते हैं अतिथि सेवा। मतलब एक तो 10-20 किलो का आईलाइनर आप मेरे आंखों के ऊपर लगा दो, उसके बाद ये पंखे से सुखा दो, क्या टेक्निक है यार आपके पास। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं यार इनको छोड़ते हो, मैं खुद करती हूँ, पता नहीं ये पंखा से पैचेस ना लग जाए मेरे फेस के ऊपर, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यार छोड़ो। तो फाइनली इनका जो मतलब भूतिया मेकअप है वो फाइनली ख़त्म हुआ। उसके बाद वो अप्लाई कर रही है फाउंडेशन फाउंडेशन फाउंडेशन, और इस फाउंडेशन से तो मैं मतलब एकदम खूबसूरत बन जाऊंगी एकदम परी की तरह। तो अभी तो ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक ठाक ही चल रही है, बहुत ही जेंटली धीरे धीरे प्यार से वो अपने हाथों से उसको घिस के उसको ब्लेंड करने की कोशिश कर रही है। बट ज़्यादा दिन तक मेरी सुख किसी को अच्छा नहीं लगता, तो अभी स्टार्ट हो गया है इनका सिंपली अत्याचार। मतलब इतना अत्याचार तो मेरे फेस के ऊपर हर कोई करता है, बट इनका अत्याचार कुछ अलग टाइप के हैं, मतलब एकदम ट्रैक्टर वाली फीलिंग्स आती है सच में। तो हाथ से नाकाम कोशिश करने के बाद अभी वो उस स्पंज से जिससे मतलब घिस 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 करके आवाज़ आती थी, तो उसी से वो ब्लेंड कर रही है, मतलब ज़मीन को यू नो ट्रैक्टर चला रही है। मैं क्या ही बताऊँ, मैं कितनी बार बताऊँ सेम चीज़, बट जितनी बार भी मतलब जितना ये सब हो रहा है मुझे बार बार ट्रैक्टर ही वाली फीलिंग्स आती है, तो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और अभी वो अप्लाई कर रही है ब्लशर, और वो भी इसी चीज़ से मतलब ये इस भयानक चीज़ से वही ब्लशर लगा रही है, और इससे जो स्किन को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, मतलब पूरा छिल जाता है स्किन, ऐसा लगता है घिस 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 करके आवाज़ आती है, पिछले वीडियो में तो आप लोगों ने सुना ही था, मतलब पूरा डायन ही बनाया जा रहा है मुझे। और अभी वो आईलैशेस लगा रही है, और ये एकदम ब्रांड न्यू है, मतलब बहुत सारे लेडीज़ जो है वो मतलब यूज़ किया हुआ लगा देते हैं, बट ये वाला अच्छा है। एंड गाइज इसके बाद वो आईलाइनर यूज़ करने वाली है मेरी आंखों के नीचे। मतलब अभी तक मैं थोड़ा बहुत इनोसेंट दिख रही थी, बट इसके बाद मैं पूरी तरीके से डायन बनने वाली हूँ। मतलब अगर सच में ये मेरा रिसेप्शन लुक होता तो जितने भी गेस्ट आते ना, तो वो लोग देख के वहीं पर बेहोश हो जाते, और मेरा जो हस्बैंड होता ना वो तो कहता कि यार शादी मैंने पता नहीं किससे किया, बट इस डायन के साथ मैं ज़िंदगी भर नहीं रहने वाली हूँ। तो रिसेप्शन के दिन ही मेरा डिवोर्स तो पूरा ही पक्का था। गाइज अभी मेरा ऑलमोस्ट ज्वेलरी वोली पहनना हो गया है, एंड ओ माय गॉड ये क्या है, मतलब ये कोई लिपस्टिक है या फिर कोई गुटखा, सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं गुटखा उटखा खा के आई हूँ। मेरा पूरा जो लिप्स है वो एकदम ऑरेंज हो गया है, मतलब क्या है ये, क्यों है, मतलब लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, मतलब ये कोई लिपस्टिक है या फिर क्या है मुझे नहीं पता, बट सच में लोग यही सोचेंगे कि मैं एक नंबर की गुटखा खाने वाली लड़की हूँ। ये कलर बहुत ही गंदा दिख रहा है। नहीं नहीं ये मतलब ठीक हुआ नहीं है, ये ऊपर हमें और एक कलर दूंगा। अच्छा अच्छा जल्दी कीजिए प्लीज। हाँ चलो शुक्र है कि इसके ऊपर वो और एक कलर देने वाली है, मतलब मैं तो डर ही गई थी, मुझे तो लगा था कि वो इसी कलर से मुझे भेजने वाली है बाहर, तो चलो अच्छा है कि और एक कलर वो अप्लाई करने वाली है। तो मिली है कलर तो हेलो आएगा ना। घंटा अच्छा लगेगा दोनों कलर मिला के, आप दोनों कलर मिलाओ या फिर तीनों कलर मिलाओ, जो कुछ भी करो, दिखने में तो मैं एक नंबर की गुटखा खोल लग रही हूँ। हाँ लिपस्टिक बहुत ज्यादा ड्राई है। तो गाइस लास्ट में इन्होंने एक बिंदी लगा के इस पूरे कार्यक्रम को खत्म किया, मतलब पूरा जो भूतिया लुक है उसको इन्होंने कंप्लीट किया। हो गया पूरा, हो गया। अच्छा तो आपको कितना देना पड़ेगा? 800
500 देने वाली हूँ, क्योंकि सच में मुझे ये मेकअप बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप देख सकते हो कि सच में मतलब मेरा पूरा लुक चेंज हो गया और दिखने में मैं सच में एकदम अच्छी नहीं दिख रही हूँ। पता नहीं रिसेप्शन में लोग क्या सोचेंगे। मतलब कल फिर भी मैं ठीक थोड़ा बहुत लग रही थी, बट आज पूरा लुक जो है चेंज हो गया है एकदम। ठीक है मेकअप, बट 500 नहीं होगा, 500 में हम नहीं कर पाएंगे। तो 600 शायद ठीक लगेगा, 600 तो ठीक है, ना आपका बात ना हमार बात, 700 ठीक है। लुक आई होप कि आप लोगों को ये वाला लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग चाहते हो कि आप अपनी शादी में और रिसेप्शन में ऐसे ही भूत जैसे दिखो, सो गाइज आप लोग इनके पास जाके मेकअप कर ही सकते हो। एंड गाइज वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।